देश में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर रौनक है। नदी घाटों से लेकर बाजारों में जबरदस्त भीड़ है। पूर्णिया के नदी घाट और बाजारों में भी ऐसा ही नजारा है। खुशकीबाग फल मंडी का आप ये नजारा देख रहे हैं। यहां पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सीमांचल में छठ पर्व के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी देखी जा रही है। यहां एक बुजुर्ग मोहम्मद सलीम नारियल बेच रहे हैं। इनका कहना है कि वे लोग छठी मैया की पवित्रता का पूरा ख्याल रखते हैं। दीपावली के बाद से ही उनके घर में मांस मछली लहसुन प्याज बंद रहता है और अभी वे नारियल बेच रहे हैं। पूर्णिया में आज भी नारियल 60 रुपए जोड़ा से लेकर 100 रुपए जोड़ा तक बिक रहा है। इसके अलावा सेब नारंगी कद्दू समेत सभी फलों और सब्जियों की कीमत भी सामान्य है, जिससे छठवर्तियों में राहत है। कोरोना के बाद इस बार मार्केट में खासी रौनक देखी जा रही है। किस तरह से आप लोगों का इसमें सहयोग हुआ? हम लोग सौ के स्थल हम लोग छठ में जो है छोड़ कुछ कोई सामान नहीं खाते, छठ मैया के नाम से अपना दुकानदार नारियल बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं नारियल? सस्ता ही बेच रहे हैं, 60 रुपया। अगला साल भी वही 60 रुपया बेचे, इस साल भी 60 रुपया। अच्छा, इस बार कोरोना के बाद इस बार मार्केट जमा है? यार बहुत ज्यादा है, बढ़िया भीड़ है, अच्छी बिक्री हो रही है। हाँ, क्या हुआ? 2 साल क्या स्थिति थी? 2 साल का स्थिति इतना गड़बड़ था जो हम लोग को खाने पड़ा था। छठ में 3,000, 5,000, 7,000 का दुकान था। इसमें आप लोगों की कितनी सहभागिता, मतलब मुस्लिम वर्ग भी कितना सहयोग कर रहे हैं इसमें? हम लोग तो पूरा सुरूप से टीम जो है सहयोग। ये कहा जाता है ये सीमांचल जो है गंगा जमुनी तहजीब के का संदेश देता है, ऐसे में छठ पर्व में आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं? हम लोग भी वही दे रहे हैं जो एकदम रोज छठ पूजा में जो है जब स्टार्ट होता है हम लोग मांस मछली खाना छोड़ते हैं, मतलब पूरा पवित्रता आप लोग भी रखते हैं। क्या नाम हुआ? कितने श्रद्धा रखते हैं इसमें और आप मार्केट में श्रद्धा रखते हैं? मार्केट का क्या स्थिति इस बार, महंगाई है कि नहीं, कम है महंगाई? महंगाई तो छठ में बाबू जी होता है, तो सब खरीदने आए हैं। क्या नाम हुआ?